हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आए हैं टिपशिप नंबर 4 लेकर। जैसे कि हमने अपनी पिछली टिपशिप में मैजिक वेंडर टूल इस्तेमाल किया था, तो आज एक और टिप आप लोगों के लेके आए हैं। बहुत ही आसान सी, बहुत ही सिंपल है और आप लोगों को बहुत फायदा होगा उससे। तो चले आए बिना देर किए हम अपनी क्लास को करते हैं शुरू। तो ये देखें, मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके यहाँ पर रखा हुआ है, थोड़ा सेंटर में कर लेंगे। तो ये देखें हमारा ये ऑब्जेक्ट है। तो हमारा जो टूल है वो है आज लासो टूल। तो ये देखें लासो टूल, ये रहा हमारा शॉर्ट की है इसकी क्यू। तो इसका यूज क्या होता है, जस्ट ये देखें, अभी मैं इसके चारों तरफ एक सर्कल बना दिया। थोड़ा गंदा बना है, रफ बना है, बट एक सर्कल बना है या कुछ तो बना है। बट इसका ये काम है, आप जाके जब यहाँ पर रिलीज करेंगे इसे, तो ये देखें जैसे मैंने रिलीज किया इस ऑब्जेक्ट को, इसने एक्टिव कर दिया। आप इसके सारे पॉइंट्स देखे होंगे कि ये ब्लू हो गए हैं। तो इसके अभी मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो हम आएंगे अपने लासो टूल पर। ये लासो टूल है हमारा, ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन के नीचे वाला। मैं सबको मैंने इसके साइड पे एक सर्कल लगाया और ये देखें, अब आप लोगों को ज़्यादा पता चल रहा होगा कि ये सारे के सारे एक्टिव हो गए हैं, पहले ये एक्टिव नहीं थे। तो इसके जितने भी पार्ट्स होते हैं, आपका कोई ऑब्जेक्ट है उसके कोई पार्ट्स आप करना चाह रहे हैं, इसको पूरा का पूरा सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप इस लासो टूल से कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर एक पॉइंट इसका चाहिए तो तब भी आप कर सकते हैं। अभी आप ये देखें कि ये वाइट है, ऑफ है ये ऑब्जेक्ट। अभी हमारी जो लाइन है, एंकर है हमारा, वो ऑफ था, और ये वाला जो एंकर है हमारा एक्टिव है। फिर इसके बाद हम अगर इसको करना चाहें तो ये देखें, बाकी सारे ऑफ हो गए, ये एक पॉइंट हमारा एक्टिव है। तो अगर मैं इसको कहीं भी खींच के लेके जाना चाहूँ तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ। बाकी अगर आप दो को सिलेक्ट करना चाहें तो आप वो दो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इन दोनों को कर लिया तो ये दोनों एक्टिव हो गए। अगर मैं इस पूरी लाइन को करना चाहूँगा तो ये देखिए, ये दोनों एक्टिव हो गए और ये ऑफ है अभी। तो ये है हमारे लासो टूल का काम। तो इतनी सी थी हमारी क्लास, हमारी टिपशिप नंबर 4। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आई होगी बहुत अच्छे से, और आप लोग इस पे मज़ीद काम भी करेंगे डिज़ाइन में, तो उससे ये होगा कि आप लोगों की क्रिएटिविटी और ज़्यादा होगी। बाकी मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर नहीं किया तब भी कोई बात नहीं, बट एक दफ़ा ज़रूर कीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी क्लासेस से फ़ायदा उठा रहे होंगे। मेरी इलस्ट्रेटर की जो क्लासेस हैं उससे आप बहुत फ़ायदा उठा रहे होंगे। और चले मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।